peacemakers, I'm thrilled to be among you. Are you ready for that journey to conquer the world? Tayar ho? Zor se? Josh ke saath? So this is a 30 minutes motivational ride which I'll be taking you. And I promise you one thing. Ye 30 minutes jo main bolne ja raha hoon, ye 30 saal tak kahin na kahin aapko kaam aayenge. Aaj main aapko bol raha hoon, kal aap ye baatein kisi aur ko bolenge. Because when I talk about the mantra of 30 ka mantra is very important. 30 minutes ka mantra isliye important hai. Aap Facebook pe rehte hain, ma'am abhi keh rahi thi ki that is the medium about the social world mein hum zyada believe karte hain, that virtual world mein. To 30 minute parents ke saath baithte hain aap, jab sirf baith ke aap dil ki baat karte hain. Because my father says one thing. He says the family that dines together and watches TV together, they live happily together. On several occasions, I told my father that I want to have a television in my room. He said no. Because that is the only time when we sit together. Most of the time, all of you are busy. Isliye 30 minute har din nikaliye apne parents ke saath baithne ke liye. Agar apno ke saath baithiye. Parents ke saath baithne ka matlab family ke kisi bhi member ke saath baithiye. Wo 30 minute jo aap nikalenge, wo 30 minute kya hoga? कि आपको उनकी दुआएं मिलेंगी जो आने वाले 30 दिनों के लिए आपकी जर्नी आसान कर देंगी. और 30 मिनट जो मैं कह रहा हूं आप अपने आप के लिए दीजिए. मैं जो नहीं देता था, मुझे अब रियलाइजेशन हुई कि दैट आई हैव टू सी आई एम पुटिंग ऑन वेट. हैड आई बीन गिवन द 30 मिनट्स फॉर माई सेल्फ सो आई वुड नॉट हैव बीन पुटिंग ऑन वेट. तो ये इंजन जो है चलते रहना चाहिए. 11 नंबर गाड़ी अगर चल रही है तो आपकी मारुति और बाकी जो भी आप खरीदेंगे वो भी चल पाएगी. बट दिस 11 नंबर हैज टू वर्क. So for that, you have to give 30 minutes to yourself. And 30 minutes, I am saying it is why, move away from Facebook. कभी कभी मैं भी अच्छी गल करता सरदार साहब. पग बाद में मैं एक गल सुनांदा पगड़ी थे कैंदन की कोट बनाने के लिए गया. कहा सबसे आसान होता है कि कोट बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है उसकी फिटिंग के लिए. कहता है कि सरदारों के लिए कोट बनाना सबसे आसान होता है. कहता है क्यों? कहता है कि जब भी सरदार कोट पहन के देखता है उन्हें जाके अपनी मूछ और पाकी देखनी है. कोट की फिटिंग क्या? कहता है वाह वाह. इस करके पाग ऐसी बात ही कराएंगे. थोड़ी देर सुन ले मेरी गल. 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, 30 मिनट्स फेस टू फेस वार्तालाप. जो आप वार्तालाप फेस टू फेस करेंगे दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी चीज जो है 30 मिनट्स ऊपर वाले को याद. अगर आप वो फेज वाइज भी करेंगे, 5-5 मिनट देखे भी करेंगे दिन में हर बार, 30 मिनट अगर आप याद करने में कामयाब हो जाते हैं तो यू विल बी एबल टू अचीव सो मेनी थिंग्स. यानी कि वो जो आपके लिए आसान है रास्ते हो जाएंगे. ये 30 मिनट का जो है जर्नी जो है आपकी जो बिगन होती है, 30 साल की जो जर्नी आपकी आसान हो जाती है. पहले एक चीज बताओ, इतने यंगस्टर्स चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? पहले तो मुस्कान रहो चेहरे पे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू विन द वर्ल्ड विद योर स्माइल. जब मैं मुस्कुराता हूं तो ये हाफ स्माइल मेरे लिए होती है, ये आधी जो स्माइल होती है आई इट्स फॉर द वर्ल्ड. बिकॉज यू आर एबल टू कॉन्कर वर्ल्ड, यू आर एबल टू विन हार्ट्स, यू आर एबल टू विन माइंड्स. टुमारो व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो एंड व्हेन यू विल बी कैरिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस, यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ये दुनिया पैसे दी, ये दुनिया मंडी पैसे थी. क्या कहता बाबा गुरदास मान? ये दुनिया मंडी पैसे थी, इतने हर कोई विकदा है सजना. जड़ा उदास चेहरा ना रोंदे चेहरे नहीं विकदे, इसके हंस के रहना सीख ले सजना. तो आप हंस के अगर जीना सीखेंगे सो यू विल बी एबल टू मेक डिफरेंस. सो यू हैव टू लर्न टू फाइट विद दिस. जब मैंने ये लिखा था ना चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली आइडिया वाज ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. आप अपने ऑब्स्टेकल्स को, जो भी कोई परेशानियां आती हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. एक्चुअली एवरी डे यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. आप अपने आप को खुद को ढूंढते हैं हर दिन. जब अपने आप को खुद को ढूंढते हैं, हर एक में क्षमता है. आई सेट द चेंज मेकर बिकॉज आई एम थ्रिल्ड टू बी अमंग यू. वाई अमंग यू पीपल? बिकॉज काम काफी है, लेकिन उसके बावजूद आई एम हियर. Because I'll be going back home, I'll be taking energy from all of you. I still remember when somebody asked me, what really keeps you going? If you find me at the morning at the 8 and then 12 in the night, I'll be working. I always say, I recite the Guru Gobind Singh Ji's line. I say,
देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर्मन से कभू न चरूं न डरूं अरसो जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। दर दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव गॉट दैट दृढ़ निश्चय इन यू, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू कैन डू वंडर्स। ऑल इज रिक्वायर्ड इज दैट, एक तो कहते हैं ना सपने, सपने वो जो सोते हुए देखते हैं ना, सपने वो जो आपको सोने नहीं देते। और वो कब आपको सोने नहीं देते वो सपने? सपने तब आपको सोने नहीं देते जब आप डिसाइड कर लेते हो कि दैट यू हैव गॉट ए गोल, आपका ये गोल है। अगर सपने बिना गोल के आप देखोगे तो इट विल लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू नीड टू हैव दैट फायर इन योर बेली। मुझे कोई पूछता है, व्हेन यंगस्टर्स कम टू मी एंड दे आस्क मी वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड एज ए जर्नलिस्ट, कैसे अच्छा जर्नलिस्ट बनाया जा सकता है, तो मैं कहता हूं कि इसके लिए कोई गुरु मंत्र नहीं चाहिए। आप हार्डवर्क करते रहिए, वो तो करना ही करना है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। सेकंड, यू नीड टू हैव फायर इन योर बेली। कहते हैं कि ये जब भी कोई तकलीफें ना हो, मुश्किलें ना हो, संघर्ष ना हो, जिंदगी में क्या जीना। आप मुश्किल से मुश्किल चीज भी आप कंट्रोल कर लेंगे अगर आपकी आग होगी सीने में। So that fire in your belly is really very important, that will keep you going. Because आप जब 12th से इस वक्त आते हैं, you have so many dreams. But थोड़ी सी उस dreams को क्या जरूरत है आपको दिशा देने की। Once you are able to give that दिशा to that dreams, you will be able to achieve so many things. और रिश्तों में क्या चीज़ important होती है? Commitment. जैसे ये रिश्ता, it's a relationship with the dream. मेरा रिश्ता है ड्रीम के साथ क्योंकि मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कमिटमेंट है। कमिटमेंट जरूरी है, किस लिए? कि दैट हैव टू स्टार्ट। अगर कमिटमेंट नहीं होगी, यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट। तो आपकी इसलिए जरूरी क्या होती है? कमिटमेंट। सो कमिटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट जो आपने ड्रीम देखा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस तरीके से कमिटमेंट रखनी है जो आपने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। आप मुझे बताइए कि आप में से क्या सब लोग ड्रीम देखते हैं? क्या ड्रीम देखते हो आप? एनी ऑफ यू? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं, हाउ मेनी यू फाइंड इधर ब्लू कलर कितना है? ब्लू कलर किस किसने पहना है जरा बताइए, कितने हैं? गिन के बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना है ब्लू कलर? जब मैंने कहा कि आप बताइए कि ब्लू कलर कितना है, तो ऑल ऑफ यू हैड बीन लुकिंग टुवर्ड्स द ब्लू कलर। सभी ब्लू कलर देख रहे थे। रेड के बारे में कोई सोच रहा था? ब्लैक के बारे में कोई सोच रहा था? ऑरेंज के बारे में कोई सोच रहा था? यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर कलर। इसी तरह लक्ष्य होता है, इसी तरह ख्वाब होता है। जब आपने सोच लिया है कि दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, सो यू विल बी फोकसिंग ऑन दैट थिंग ओनली, सो यू विल नॉट बी लुकिंग एट एनी अदर थिंग। सो इसी तरह जैसे अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख की तरफ देखा था, ही वॉज टोटली फोकस्ड अबाउट वॉट एक्चुअली द अर्जुन हैड टू डू। द सेम वे यू हैव टू बी फोकस्ड अबाउट वॉट एक्जैक्टली यू हैव टू डू। सो यू विल नॉट बी लुकिंग एट एनी अदर कलर, यू विल बी फोकसिंग ऑन द कलर विच यू रियली वॉन्ट टू वेयर एट दैट पर्टिकुलर डे और विच यू आर लुकिंग एट। सो द लक्ष्य, द ड्रीम, दैट ऑब्जेक्टिविटी, दैट डिटर्मिनेशन, दैट ग्रिट, दैट इज रियली रिक्वायर्ड। सो आप वो करेंगे तो आप बहुत, मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए कभी कभी मुश्किल दौर होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कुकरनाग में एक एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर के दौरान हमारे 3 लोग शहीद हो गए, जिसमें एक कर्नल मनप्रीत थे, दूसरा मेजर आशीष थे, हिमायू भट्ट थे। वो तीनों शहीद हो जाते हैं। उसके बाद की ये ऐसा मुश्किल दौर होता है कि जब बॉडी घर पर जाती है, तो बॉडी घर पर जाती है तो आपने देखा होगा कि कर्नल मनप्रीत ने अपनी जो छोटा बेटा था, उस दिन उसने फौज की वर्दी पहनी थी। तो माँ ने अपने बच्चे को वर्दी में क्यों तैयार किया? कितना मुश्किल वक्त था। शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, लोन ब्रेड विनर, काफी मुश्किल का सामना। उसके बावजूद उसने अपने बच्चे को वो वर्दी क्यों पहनाई थी? उसने अपने बच्चे को ये वर्दी पहनाई थी, समटाइम्स यू नो वॉट यू ट्राई टू मोटिवेट यूर सेल्फ ऑल्सो, दैट आई हैव गॉट ए सन, इफ आई हैव लॉस्ट वन, द अदर वन इज रेडी टू सर्व मदरलैंड इंडिया। सेकेंड, you are sending a message loud and clear that your Pakistani bullets are not going to shatter me, my thoughts, my vision about the country. It is in fact further going to strengthen my resolve that how I have to fight for motherland India. To ye aapne dridh nishchay karna hai. One failure doesn't mean that you have lost something. Because many times I find that kids, mujhe jab main pareshan hota hu main so jata hu, sach keh raha hu,
Why I'm telling you this thing? Because I was in Ukraine just last year only. There was a shelling going on. All of a sudden, Ukraine coverage के लिए मैं stay कर रहा था जिस hotel में it had, it was on the 12th floor. I was staying in the 12th floor. All of a sudden, I got a call that where are you? Because shelling had all of a sudden started. There was a missile explosion. Because of the missile explosion, it shook the entire area. So what you have to do in such a situation, all you have to do is that you have to go downstairs, you go towards the bunker, you have to stay there. Jab main bunker ki taraf bhag ke gaya, to initially bunker ke andar jaane ke baad I started reporting, normal reporting, because this thing is happening, see all the journalists are here, so jo bhi western media tha, I started interviewing them. Lekin jab wo maine khatam kar diya, to psychologically all of a sudden I realized, agar ye building gir gayi to aise to ek hi baar mar jaunga. अगर बिल्डिंग गिर गई तो मे बी आफ्टर 8 डेज और 10 डेज मींस दैट 10 डेज आई विल बी डाइंग व्हाइल बीइंग स्टक अप इनसाइड दैट रबल. सो व्हाट एक्चुअली इज तो व्हाट टू डू आई वेंट अपस्टेयर्स 12वीं मंजिल में दोबारा गया रिपोर्टिंग करने के बाद एंड आई स्लिप्ड. सो इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो आई हैड समथिंग पॉजिटिव टू थिंक अबाउट. मुश्किलें आती हैं बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज पॉजिटिव थिंग्स यू आर एबल टू overcome those obstacles. I'll give you certain example because I'll be quoting you. I got corona. Everybody, kisi na kisi ko corona, kisi na kisi form mein affect kiya. Kisi ko corona hua, kisi ke ghar mein corona hua, kisi ke pados mein corona hua. But corona was that kind of an invisible enemy, jiski wajah se har ek ko kisi na kisi wajah se mushkil hui. When I was suffering from corona, to voice meri bhi nikal nahi rahi thi. All of a sudden, it was a very difficult scenario and situation for me. I got a phone call from, because you know, आई डोंट नो समहाउ अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि मैं अक्सर पीपल फाइंड मी स्माइलिंग दे फील दैट आई एम ऑलवेज एंजॉइंग इधर आई एम सिंगिंग आई एम डांसिंग इफ आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज वेन आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग बिकॉज वेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम डूइंग समथिंग एल्स बिकॉज आई ट्राई टू डू दैट्स कॉल्ड गिविंग शत प्रतिशत गिविंग यूर 100% टू वॉट एवर यू डू. सो यू हैव ऑल्सो टू गिव योर 100% टू वॉट एवर यू डू. सो आई ट्राई टू गिव माई 100%. She said, कुछ लिखो कुछ राइट समथिंग रियली पॉजिटिव. मैंने कहा बाबा इस सिचुएशन में पॉजिटिव तो मैं लिख लूंगा बट प्रोग्राम तो मैं दे नहीं पाऊंगा मेरी आवाज निकल नहीं रही है क्योंकि प्रॉब्लम वॉज दैट आई हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट ए प्रॉपर ब्रेथ. सो आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का उस दिन रियलाइजेशन होता है कि ये जो सांसें हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिस्कस विद द स्टूडेंट्स हियर आई सेड कि मुझे रियलाइज तब हुआ कि कोई कहता ना कि उम्र लेके आते हैं कि 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष तो मुझे किसी ने कहा कि ये जो उम्र नहीं होता ये बेसिकली हम सांसें लेके आते हैं बल्ब में. तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेड दैट तुम बहुत बिकॉज आई गॉट ए साइनस प्रॉब्लम आई मैं ऊंचा ऊंचा सांस लेता हूँ. कहता तुम जल्दी जल्दी सांस लेते हो तुम जल्दी जल्दी अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हो सांसें तो सो उसको संभाल के रखो. सो ब्रीदिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन समबडी इन योगा टेल्स यू अबाउट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू शुड नॉट थिंक दैट इट इज समथिंग कनेक्टेड विद वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. इट इज बेसिकली अबाउट टेलिंग यू टू हाउ टू यूटिलाइज योर ब्रेथ कैसे सांसों को लेना है. उसका एहसास मुझे कोरोना के दौरान हुआ कि जब मेरी एक सांस तो आती थी तो दूसरी के लिए मुझे जिद्दोजहद करनी पड़ती थी और उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता था. दैट टाइम आई रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस ब्रेथ इज. पोटला लेके आए हैं ये पोटला जो लेके आया है इसीलिए इसको बड़े आराम से खर्चना है बड़े तरीके से खर्चना है. इसके लिए एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बड़े जरूरी है. तो आई सेड ओके फाइन आई सेड यस यू जस्ट शी डाइल्ड मी एंड देन आई रिसाइटेड दिस पोएम आई रूट फ्यू जस्ट हार नहीं मानूंगा जीत के ही ठानूंगा रूठे रब को मना के ही मानूंगा हार नहीं मानूंगा जीत के ही ठानूंगा रूठे रब को मना के ही मानूंगा दुआओं में शक्ति है घर ऐसी भक्ति है मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार वो बस थोड़ा धैर्य धर बस थोड़ा धैर्य धर हिम्मत तहार सूर्यवर इम्तिहा खत्म हो जाएगा तू फिर से समवेयर. आपका कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो ये इम्तिहान होता है. ऐसा नहीं है कि ये जो फेलियर है ना ये फेलियर में और होप में क्या फर्क है. फेलियर जो है आपको पीछे देखने को कहता है यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स योर बैक और ये जो उम्मीद है ना ये आपको सामने देखने के लिए उकसाती है. तो अब आप बताइए कि आपको फेलियर को पीछे देखना है कि आपको होप को देखने के लिए उम्मीद को देखने के लिए आपको आगे देखना है. ऑब्वियसली
थिंक अबाउट योर फेलियर्स, कभी भी अपने फेलियर के बारे में नहीं। मैंने लास्ट टाइम, मैं अक्सर एक सुनाता हूँ बिकॉज यू गर्ल्स आर हियर ऑल्सो, मैं सर्टन एग्जाम्पल्स आई गिव बिकॉज वेयर थिंग्स रियली कैन मेक डिफरेंस। एक हमारे एक स्पिरिचुअल है, लीडर है, जो वो बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। एक होता है कि दैट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई सानी नहीं है, यू हैव टू डू दैट, हार्ड वर्क करना है जिंदगी में। अगर आप कहेंगे कि शॉर्टकट्स कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ वो एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। वो कहते हैं कि दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि एक बार सरबजीत मैम आपकी क्लास में आती हैं, किसी को कहती हैं गुरप्रीत व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। तो गुरप्रीत जी उठते हैं, गुरप्रीत जी कहते हैं आई वांट टू बी मल्टी बिलियनर, आई वांट टू हैव 365 कार्स, वन कार फॉर ईच डे, आई वांट टू हैव ऑलमोस्ट ए हाउस एट एवरी कंट्री आई विल बी लैंडिंग, आई वांट टू हैव ए प्राइवेट जेट सो दैट आई कैन फ्लाई टू एनी अदर प्लेस, आई वांट टू डू दैट। तो आगे से सरबजीत मैम कहती है बाबा मैंने ऐसे थोड़ी पूछा था, मैंने दो लफ्ज बोले थे तुम्हें, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो कहा रहने दो तुम, देयर इज अनदर गर्ल सिटिंग। कहा पूजा तुम बताओ बाबा कि तुमने क्या बोला, ये दो वर्ड में मुझे समझाओ कि व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। उसने कहा आई वांट टू मैरी गुरप्रीत, क्योंकि हार्ड वर्क उसने कर दिया, आई विल डू द स्मार्टेस्ट वर्क। सो दिस इज हाउ द हार्ड वर्क एंड दिस शुड बी अ मिश्रण ऑफ बोथ द थिंग्स। So it should not only be the hard work, so it should also be the smart work also. So you have to do a smart work. So that's really very important. But yes, जब आप अंदर अपने मन के अंदर वो जज्बा जुनून लेके रखेंगे तो वो बहुत ही important रहता है। तो कहते हैं कि भस्म कर जलाकर उसे जो फेलियर का जाल है, भस्म कर जलाकर उसे जो फेलियर का जाल है, तू आरती की लो नहीं तो क्रोध की मशाल है। आरती की लो तो छोटी जैसी होती है, तुम तो क्रोध की मशाल हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, हमारी तरह थोड़ी हो। सो यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द एज वेयर यू कैन मेक ए डिफरेंस, यू कैन डू एनीथिंग। इफ एट दिस स्टेज वी कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बेटर, आप तो हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि, और लड़कियों के लिए कहते हैं कि फैला के चुनर अपनी, उसे ध्वज बना ले, तिरंगा बना ले, कि गगन भी उसको देख के कप कप आएगा। अगर वो चुनर गिर जाए, यानी कि आप लड़कियों को भी अपने अंदर उतना स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, कभी ऐसा सोचना चाहिए दैट वी आर लेस टू एनीवन। आप सबसे, मैं सच बताता हूं कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, मुझे अगर कोई कहेगा, आई ऑलवेज बिलीव दैट वुमेन आर द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट वन, बिकॉज दे आर नॉट ओनली द मेकर ऑफ this world, but they are not only the creator but the maker of this world also. तो अगर creator का किसी को कहें तो औरत को कहेंगे इस जननी वाली बात नहीं है, ये these are not the words, because जो भी मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ मैं वो personal practice करता हूँ। So जो मैं खुद नहीं करता था वो मैंने खुद कह दिया कि मैं 30 मिनट अपने को नहीं देता था, because अगर बोलता तो झूठ बोलता, because जो भी बात मैं यहाँ करूँगा ना मैं गूगल की करूँगा, ना मैं इसकी करूँगा, ना उसकी करूँगा, मैं वो बात करूंगा जो मैं खुद करता हूं और मुझे लगता है कि दैट हैज रियली हेल्प मी इन माय लाइफ एंड आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू बिकॉज यू आर द यंगर वन विद मी दोज ब्राइट माइंड्स सिटिंग हियर बिकॉज टुमारो अमंग यू क्या पता कौन कहां किस डगर निकल जाए, किस दिशा में निकल जाए। और कल और वी ऑल फील प्राउड दैट बिकॉज आई हैड बीन नोइंग दिस बॉय। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, आई वाज कॉल्ड जस्ट फ्यू इयर्स बैक। जब मैं कुछ वर्ष पहले जब प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में गया तो ऐसे ही देयर वाज अ क्लास ऑफ अबाउट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, द गर्ल्स वर सिटिंग देयर, आई वाज एड्रेसिंग देम एंड वन ऑफ द गर्ल, आई टोल्ड देम, मैंने कहा कि क्या चाहिए आपको जिंदगी में, करेंसी, पैसा? नहीं, आई सेड दिस करेंसी इज नॉट रियली गोइंग टू वर्क, बिकॉज एक वक्त आएगा, मैंने देखा है कि ये पैसा भी खत्म हो जाता है। बहुत बहुत अमीर देखे कि जो जिनकी इतनी ऊपर होती है उसके बाद नीचे आ जाती है, क्योंकि GDP जो है ना, GDP का मतलब मालूम ही है ना आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति, उसकी हेल्थ के बारे में अगर आपको पता चलता है, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, इट इज थ्रू द GDP यू गेट टू नो दैट कि आपकी हेल्थ कैसी है इकोनॉमी की। लेकिन क्या आपकी GDP इंप्रूव होने के साथ आपकी मुस्कान में फर्क आया? नहीं आया। गाड़ी आने के साथ क्या मुस्कान आती है? नहीं आती है।
मारुति के बाद हमने सियाज खरीदी, सियाज के बाद इनोवा खरीदी, इनोवा के बाद कुछ ने जगुआर खरीदी, किसी ने कुछ और खरीदा, लेकिन क्या उसकी जो डिप्रेशन है उसमें कमी आई? नहीं आई। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सो द मेनी कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे आप टोटली फोकस करिए, यानी कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए ऑलवेज लुक फॉर द रीजन टू स्माइल, ऑलवेज लुक फॉर द रीजन टू स्टे हैप्पी। बिकॉज ये जो है ना, ये जो डिप्रेशन का ये जो है, ये टाइम बॉम्ब, दिस इज ऑल टेकिंग हियर, ये यहां पे टिक टिक कर रहा है। इस टाइम बॉम्ब को यहां पे आपको न्यूट्रलाइज करना है। यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट टाइम बॉम्ब बिफोर इसके की फट जाए। मेरे ख्याल से अगर आप वो कर पाते हैं तो यू आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस इन योर लाइफ। तो आप पूरी तरह से जिंदगी में एक अलग बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठें तो एक स्माइल के साथ आप दिन को शुरुआत करिए। स्माइल करते रहेंगे तो आपको स्माइल मिलती रहेगी। ये जो दुनिया है, इट्स ये आईने की तरह, इट्स लाइक ए मिरर। मिरर के सामने कभी भी खड़े हो जाओ, उल्टा मुंह बनाओगे तो उल्टा दिखेगा, सीधा मुंह बनाओगे तो सीधा दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक लेसन्स समबडी हैज सेड राइटली, एक, व्हेन यू आर राइट डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रूविंग द वर्ल्ड दैट यू आर राइट, क्योंकि तुम राइट हो, तुम्हें जरूरत क्या है प्रूव करने की। एंड व्हेन यू आर रॉन्ग डोंट प्रिटेंड एंड वेस्ट योर टाइम टू बी राइट, तो प्रिटेंड करने की जरूरत क्या है कि हम बताएं कि हम राइट हैं। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी, दिस इज व्हाट माय मदर हैज टॉट मी सिंस चाइल्डहुड, बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल हर सर्टेन थिंग्स, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, वो मुझसे भी सीखा करती थी, कहती थी मुझे बता दो कि ये कैसे होता है, ये कैसे ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें उन्होंने मुझे कहा कि आप सीखने के लिए, हेल्प लेने के लिए कभी वेस्ट ना करो टाइम, और आप अपने दोस्त से, अपने संगी साथी से उस वक्त मशवरा ले लो, हेल्प ले लो, उसके लिए आपको सोचना कभी नहीं है। यू ऑलवेज ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम ए पर्सन, तो कभी भी उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आई विल बी रिसाइटिंग सर्टन थिंग्स हियर वेयर आई विल बी, मैं अक्सर ये फैज साहब की ये लाइन बोलता हूं और मैं सुनाता हूं, सी हाउ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड किधरे ना पहन दिया दसा वे परदेसिया मेरिया। कहते हैं कि मां बरामदे में बैठी है, सी इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आल्सो हाउ द वुमन रियली लर्न आउट ऑफ ऑल ऑफ ए सडन दैट हाउ टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया है तो औरत ने किया है, कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा सफर किया तो बच्चे ने किया है। बिकॉज मैन दे मूव आउट, जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, वेदर वी टॉक अबाउट उगांडा, रवांडा, ब्रूंडी, तंजानिया, वेदर वी टॉक अबाउट लिबिया, वी टॉक अबाउट सीरिया, वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, थैंक गॉड नाउ थिंग्स आर मूविंग इन ए बेटर वे, जम्मू कश्मीर में हालात काफी सुधर चुके हैं, लेकिन जब भी कभी हमने देखा तो क्या, तो फैज साहब ने हालांकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सुनाई, ये लिखा हुआ था, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू रिसाइट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि माँ एक बरामदे में बैठी है। देखो उम्मीद कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, फेलियर ऑलवेज मेक्स यू लुक बैक, उम्मीद ऑलवेज मेक्स यू लुक टुवर्ड्स द अदर साइड इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज वेटिंग। किधरे में पहनती है दसा वे परदेसिया मेरिया, का गुड़ावा शब्द मनावा, वक्ति वादे तरले पावा, तेरी याद पवे ते हसा, तेरा जिक्र होवे ते रोवा। याद किसकी आ रही है? याद उन अच्छे दिनों की आ रही है, व्हेन ऑल ऑफ देम हैड बीन टुगेदर, व्हेन द फैमिली वाज लाइक ए वन यूनिट, व्हेन द सन्स यूज्ड टू सिट विद देम, दे वर नॉट ऑन द फेसबुक, देयर यूज्ड टू बी अ फेस टू फेस वार्तालाप, और दे वर नॉट द विक्टिम्स ऑफ द गन वायलेंस दैट हैड बीन स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। दर्द ना दसा कुल दी जावा, राज ना खोला मुकल दी जावा, किसनू दिल दा हाल वखावा, वे मैं किसदा दामन खसा, किधरे ना पहन दिया दसा। कहते हैं कि परेशानी एक ऐसी चीज है कि इट इज नॉट दैट यू आर द ओनली वन हु इज हैविंग फेसिंग प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि दूसरे शख्स को उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो ये जो परेशानी है, खाली ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे नॉक कर रही है, परेशानी किसी और की भी हो सकती है। मैं कल ही आई मेट ए वुमन जस्ट 4-5 दिन पहले, एक फिल्म एड फिल्म मेकर है। एड फिल्म मेकर क्या है कि वो अपनी स्कूटी पे आता है, उसे एक बच्चा गाड़ी मारता है, उसके बाद ड्रैग करता है, एंड राइट नाउ लाइंग अनकॉन्शियस। तो मैं उसकी वाइफ से इंटरव्यू कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर। तो मैं ऐसे ही बात करते करते तो मैंने कहा कि एक कैंसर की जो डिजीज है ना, तो एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, उसने लिखा वाई मी, बिकॉज वेन समबडी एल्स इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, वी से दैट दिस इज समथिंग कैन दैट कैन हैपन टू एनी अदर पर्सन। एंड जब
किसी को गॉड फॉरबिड हो जाता है तो उसको लगता है व्हाई मी, ही स्टार्ट्स आस्किंग. व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हर आई डिडंट रियलाइज दैट शी आल्सो हैड अ थायराइड कैंसर. हस्बैंड इज बैटलिंग फॉर लाइफ, शी हैड अ थायराइड कैंसर, शी गॉट ऑपरेटेड, बट स्टिल दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ अ डिटर्मिनेशन टू फाइट फॉर द केस एंड सीक जस्टिस. सो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है. जिस भी आप सिचुएशन में हो, जो चीज़ हो गई तो हो गई. अब आपको मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन दिस इज आई हार्डली शेयर दिस थिंग विद मी बिकॉज व्हेन आई एम शेयरिंग यू विद यू इट्स नॉट दैट ट्राइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ अ सिंपैथी. आई एम सेइंग दैट हाउ एट टाइम्स सर्कमस्टेंसेज मेक यू इम्प्रूव. आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. आई वॉज वेटिंग फॉर द मिनी बस. ऑल ऑफ ए सडन आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई हैंड इन साइड द पॉकेट. टोटल नमनेस, हाथ सो गया, हाथ पॉकेट के अंदर जा नहीं रहा. समहाउ आई मैनेज, मैं गाड़ी को ऐसे पकड़ के आ जाता हूँ. 5 मिनट का ड्राइव था श्रीनगर में. आई कम टू माई प्लेस और आके मैं सो जाता हूँ. आई डोंट हैव माई लंच और मैं सो जाता हूँ. इवनिंग के टाइम पे माई फ्रेंड्स कॉल मी, दे से लेट्स प्ले कैरम बोर्ड. सो आई प्ले कैरम बोर्ड विद देम. कैरम खेलने के लिए जब मैं जाता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू प्ले कैरम बिकॉज माई फिंगर आर नॉट एबल टू मूव. उस वक्त भी मुझे लगता है कि मेरा हाथ सो गया है, कि शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ. उसके बाद क्या होता है कि देन आई रियलाइज दैट माई लेग इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. एंड यू नो वॉट हैपन, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. ऑल ऑफ ए सडन माई मैटरनल अंकल वॉज दोज डेज अलाइव, ही वॉज पुटिंग अप विद अस. ही टुक मी टू द डॉक्टर एंड ही सेड समथिंग, सम ही टुक द 2-3 नेम्स ऑफ दो, सम सेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सो मेनी अदर थिंग्स एंड इंटरमिंगल. सो आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई हैंड, आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई लेग. तो मुझे वो काम नहीं कर रहा. अब सोचा करूँ क्या, जिंदगी तो अब सोचा अपने साथ तो ये तो बेकार हो गई. अब ये कैसे 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 चलेगा, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा. ना वॉक कर पाएंगे, ना चल पाएंगे, बिकॉज हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू ड्रैग माई लेग लाइक दैट. तो दैट वॉज द टाइम, कहते हैं कि एक रास्ता बंद हो, यू थिंक अबाउट द अदर थिंग. सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज दैट वॉज द टाइम मैंने पहली बार गालिब सुना था. दैट वॉज कोई दिनगर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, बारहा देखी है उनकी रजिशें, कुछ तो पैगाम है जुबानी और है. अब मुझे समझ ना आया कि ये दिनगर क्या है, बिकॉज आई थॉट दैट ये दिनगर क्या होता है. आई वॉज सेइंग रिंगर. सो आई आस्क्ड माई मदर, आई सेड ये क्या है. शी सेड इट इज दिनगर. आई सेड दिनगर कौन सा वर्ड होगा. सो मुझे होता ना कि घर का कोई अगर बताया तो यू डोंट. देन आई आस्क्ड द प्रोफेसर ऑफ उर्दू, शी ट्राइड टू एक्सप्लेन मी, शी सेड इट इज दिन अगर. सो कोई दिन अगर, अगर वो होता है कि स्केल होता है पोइट्री में. सो यू स्टॉप यूजिंग दैट. अलिफ नहीं यूज करते हैं आप, अ नहीं यूज करते हैं, तो दिनगर, तो ताकि वो खूबसूरत तरीके से. सो वो स्केल मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. सो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड दैट वॉज द टाइम वेन आई रियलाइज एंड आई टॉप. अदरवाइज आई वॉज ए नॉर्मल स्टूडेंट. दैट वॉज द टाइम वेन आई टॉप इन द यूनिवर्सिटी. Because my total focus, my concentration was that now I have to do something else because I have got a responsibility. I have to change myself because now I can't afford which others can do because I can't run, I can't move properly, I can't walk properly, I can't go around properly with the other guys because I can't be one that somebody should be showing that kind of a sympathy towards me. I started doing that. But you know what? One day somebody said that, matlab, lekin ye ek ummeed bhi thi. एक उम्मीद थी दैट आई विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज एंड यू नो व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन प्रॉपरली एंड माय हैंड स्टार्टेड मूविंग एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, इट वाज अ बैड ड्रीम एंड आई गॉट अप फ्रॉम द स्लीप. दिस इज द फीलिंग व्हिच आई गॉट आफ्टर अबाउट 11 मंथ्स. बट बाय देन आई हैड चेंज एज ए पर्सन. नजरिया जिंदगी की तरफ अलग हो गया. इट वॉज नॉट नेगेटिविटी, इट वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. सो वॉट यू हैव टू डू इज वन, यू हैव टू शन दैट नेगेटिविटी. जिंदगी में भी कभी भी आप किसी नेगेटिव शख्स के पास नहीं बैठना. जब किसी नेगेटिव शख्स के साथ आप बैठते हैं तो आपको हमेशा नेगेटिविटी देता है. और उस शख्स के पास भी मत बैठो जो सिर्फ किसी की गैबत कर रहा हो, बिकॉज आप जिस वक्त हमेशा किसी की बुराई करते हैं ना, इट कम्स बैक टू यू. वो तरक्की करता है और आपकी तरक्की रुक जाती है. और आई बिलीव इन दैट. एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्शियसली नेवर एवर ट्राई टू हर्ट एनीवन. कॉन्शियसली किसी को हर्ट ना करिए. Not that I am a very good human being. I personally, I have never ever, होता ना कई लोगों को शक आदत होती है कि किसी के खिलाफ लिख देना, किसी के खिलाफ साजिश करना, किसी के खिलाफ एप्लीकेशन. बट आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, बिकॉज वेन यू बिलीव इन ऑल माइटी, यू फील दैट जिस दिन मैं कोशिश करूंगा इस शख्स के खिलाफ कुछ बुरा करने की, द 10 पीपल विल बी ट्राइंग टू डू द सेम विद मी. सो आई विल नॉट डू, आई विल नॉट
कॉन्शियसली आई विल नॉट ट्राई टू हर्ट एनीवन, अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि कॉन्शियसली, और दूसरा ये कि आप अपने आप में एक शख्सियत हैं, आपको किसी चीज़ की परेशानी होनी नहीं चाहिए। जो लिपटी है आपके पाँव से बन के भेड़ियाँ, जो लिपटी है आपके पाँव में बन के भेड़ियाँ, उसे वस्त्र न समझना, मतलब कि आपने कपड़े न समझना, यानी कि वो भेड़ियाँ वहीं रहेंगी। अगर आपने समझ लिया कि ये मेरे कपड़े हैं तो आप उतारेंगे नहीं, भेड़िया उतार के बना लो उसको शस्त्र। ये जो बाव में भेड़िया है, ये बेसिकली क्या है, ये भेड़िया हमारे यहाँ पे हैं, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। मैन कैन डू व्हाट द मैन हैज डन, इसलिए कुछ अलग करना है, ठान लेना है कि हमें कुछ अलग करना है। अब मैं वही चीज सुना रहा था जब कॉन्वेंट स्कूल में जब बात हुई, तो मैंने कहा कि ये करेंसी जो है ना, ये करेंसी रहने वाली नहीं है। मैंने बहुत सारे अमीर ऊपर नीचे होते देखे हैं, मेरे सामने सामने आई हैड सीन सम ऑफ दोस फैमिलीज, दोस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो था पैसा वैसा खत्म हो गया, या वो साहब ऊपर वाले को प्यारे हो गया, आगे बच्चों ने संभाला नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन एक करेंसी जो आपके साथ रहेगी, दैट करेंसी आई हैड ऑलवेज फोकस्ड अपॉन, दैट इज द करेंसी ऑफ वर्ड्स। ये लफ्जों की करेंसी, ये वर्ड्स की करेंसी, ये कम्युनिकेशन स्किल। टुडे मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी एग्रीइंग विद, वो कोई कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते। आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज नरेंद्र मोदी बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स, हिज आर्टिकुलेशन, हिज कम्युनिकेशन। लफ्जों का आप देखिए, इट्स नॉट ईजी डिलीवरिंग 4 to 5 लेक्चर्स अ डे। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन, बट यस I as a person who had been covering him, I realized that it is not really easy because you can't just do that. You can't do that. So you have to have that currency. अगर आपके पास लफ्ज़ों, अब हुआ यह कि मैंने तो वो लेक्चर दे दिया, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बोलने के बाद मैं निकल गया। After 3-4 years, her father called me. He said कि आप रेडिसन होटल में आइएगा। The daughter was that time in 10th. जब मैंने लेक्चर दिया था, she was in 6th. कहा कि she is now in 10th. मैंने कहा बताइए क्या करना है। कहता है she has come out with a book. और जब मैं बोल रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि मैं एक चीज़ है कि मैं बात देख के करता हूँ, तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जब मैं बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि there had been one person जो मेरी तरफ ध्यान से सुन रहा है, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उसका असर होगा कि 4 साल में दैट गर्ल हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड शी विल बी कमिंग आउट विद अ बुक। तो ये लफ्ज़ों की करेंसी का उसने इस्तेमाल किया और मेरे शब्दों को उसने अपने अंदर लिया। सो यू एब्जॉर्ब, कोई कुछ भी कह दे। आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अभिमन्यु, आई ऑफन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु की एग्जाम्पल इसलिए मैं देता हूँ कि आपको मालूम है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह की कहानी मालूम है आपको, क्या कहानी थी जरा बताइए जरा कोई। Yes, she was in a family way. That was the time when Arjun was trying. She is asking Arjun कि भाई चक्रव्यूह में कैसे आप लड़ते हैं। तो देखिए even कहते चक्रव्यूह में आप कैसे लड़ते हैं, बोला चक्रव्यूह में मैं ऐसे लड़ता हूं, वो सारा एक्सप्लेन करता है। By the time वो चक्रव्यूह से निकलने की बात आती है तो she had slipped, तो वो सो जाती है। लेकिन अब जो स्टोरी है कि आप स्टोरी में अक्सर उस कॉन्टेक्स्ट में सुनाता हूँ, आई एम नॉट सेइंग द स्टोरी इज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आपने देखा कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में लड़ता रहा तो टूटा पहिया लेके वो लड़ता रहा। टूटा पहिया किसी काम नहीं आता, टूटा पहिया कैन नॉट पुल द ब्लॉकॉट, टूटा पहिया किसी गाड़ी को खींच नहीं सकता, टूटा पहिया बेकार होता है ना। इसी तरह से मैं टीचर्स को भी कहता हूँ कि नेवर एवर थिंक दैट ये स्टूडेंट बेकार है बिकॉज ही इज सिटिंग देयर। कभी कभी जो आपको लगता है कि सबसे पीछे बैठा है, हो सकता है उसको दुनिया ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही हो, वो पूरा ब्रॉडर व्यू लेके चल रहा हो। तो इसलिए हम कभी यो गलती ना करें। और दूसरा, आई ऑलवेज टेल द यंगस्टर्स ऑल्सो, लिसन टू योर टीचर, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी कि आपको कोई ये सिखा रहा है, क्योंकि आगे आपका कॉम्पिटिशन इतना बढ़ने वाला है, कोई सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। आप गिरोगे, आप खुद ही उठोगे, आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको डिस्करेज ज़्यादा करेंगे, आपको कोई एनकरेज नहीं करेगा। आई गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल। देर वॉज वन स्टोरी अबाउट दैट वॉज समथिंग रिलेटेड टू इस्लाम, आई डिड दैट स्टोरी। अच्छा, स्टोरी करने के बाद देर वॉज वन ऑफ माई सीनियर, बिकॉज ही रियलाइज दैट स्टोरी क्या था। स्टोरी वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक विच नोबडी हैड वर्कड ऑन। ऑल ऑफ अ सडन यू मस्ट हैव सीन कि कश्मीर में क्या होता था, नाम होते थे गुलाम मोहम्मद, गुलाम अहमद, गुलाम रसूल। तो मेरा स्टोरी ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट गुलाम जो प्रीफिक्स था
that had gone missing. People have started keeping different names, Sayyid Mir Mujtaba Ali Ahmed Andrabi. तो वो जो नाम जो या तो पाकिस्तान टेलीविजन पे देख रहे थे या तो नए अरबिक नाम थे और दे वर टेकिंग आउट नेम्स फ्रॉम द कुरान शरीफ, बट वो गुलाम नाम मिसिंग था. तो दैट स्टोरी वॉज अप्रिशिएटेड. बट माय सीनियर थॉट कि वेयर फ्रॉम ही गॉट दिस आइडिया. अब कभी कभी होते हैं ना सीनियर भी, हम भी ऐसे कई बार सोचते हैं कि वाई माई जूनियर इज डूइंग समथिंग. तो ये नहीं कि हम उससे सारा सीख लें, हम थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं. तो ही सेड कि वो मुझे क्रिटिसाइज करने लगा. तो मैं शाम को जब व्हेन आई लेट आई केम होम एंड माय मदर यूज्ड टू वेट फॉर मी एंड वी वर हैविंग डिनर. इट वॉज लेट, 2 बजे रात को. रात को 2 बजे मैं ऑफिस से आता हूँ एंड आई एम हैविंग माय डिनर. तो शी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स मी, शी सेड व्हाई. मैंने कहा जी कुछ नहीं. शी सेड बताओ, बिकॉज मदर्स कैन रीड योर फेस इज़ वेल, नोबडी एल्स कैन डू दैट, बिकॉज ऊपर वाले ने उनको दी है सलाहियत कि वो अपने बच्चे का चेहरा पढ़ लें. तो शी वॉज, चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो. तो शी सेड कि नहीं, कुछ बात है कि दैट इज़ परटर्बिंग यू, व्हाई यू आर नॉट सेइंग. तो समाओ मैंने कहा जी वो स्टोरी करी, वो किसी ने कहा क्या बकवास लिखते हो, तुम्हें लिखना नहीं आता किसी ने कहा तो. एंड शी स्टार्टेड लॉफिंग, वो हंसने लगी. तो हंसते वो मेरी कहने लगी कि तुम्हें भी कोई पढ़ता है. पहले तो मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया, बट देर लेटर ऑन आई रियलाइज व्हाट शी रियली कन्वेड. कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए. मुझे लगा कि तुम्हें जुमा 4 दिन लिखते हुए नहीं हुआ, अगर तुम्हें कोई पढ़ने लग जाए तो वो यानी कि तुम्हारी काबिलियत है कि somebody is reading, somebody is criticizing, somebody is telling you that you are doing something wrong, अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. तो इसलिए यू शुड ऑलवेज टेक थिंग्स इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, उस क्रिटिसिज्म को भी आप उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह लीजिए. तो उसी तरह से जब अभिमन्यु कर रहा था, अभिमन्यु उस चक्र से लड़ रहा था जिस पहिए का कोई काम नहीं होता, उस पहिए से उसने ये कर दिया. और उसी तरह आई टेल द टीचर्स ऑलवेज, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेज दैट एवरी डे दे आर परफॉर्मिंग. Every day they are performing. When I am asking question to you, I don't want you to be spectators. I always wanted my audience to be spectators. Because if I am performing on the stage, I want you to be equally a part of this thing. Because अब वो वक्त चला गया जब थिएटर में ये होता था हम आए बोले सुनाए और चल दिए. वो नहीं चलता. अब concept of concept ये चलता है कि you have to be not to be spectators. In a classroom also you have to be spectators. And the teachers should always encourage that thing because where you are involving the youngsters. Making them ask, because उनके पास काफ़ी सवाल होंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं. Now I am going to tell you why I am giving these examples. My 3-year-old nephew, Pakistan attack होता है, there is a blast, that terrorist center inside that one of the schools in Peshawar. Peshawar में attack हो जाता है. तो he is sitting with me, he is 3-year-old. 3 साल का बच्चा मुझे बार बार पूछ रहा है, कहता मामू बार. And he is very curious about things, and till date he is like that. मामू बार बार. मैंने कहा बताओ मामू, ये अच्छे अंकल हैं या बुरे अंकल हैं? अब सी द टेररिस्ट हैव एंटर्ड इनसाइड दैट स्कूल बिल्डिंग एंड ही इज अगेन एंड अगेन पुलिंग माय शर्ट एंड सेइंग अच्छे अंकल हैं या बुरे अंकल हैं. अब मैंने अब क्या समझाऊं उससे, तो ही इज टू यंग टू इवन एक्सप्लेन हिम थिंग्स. आई सेड बेटा अच्छे अंकल तो नहीं है, बुरे अंकल हैं. देन आई रियलाइज दैट विजुअल्स का जो होता है इम्पैक्ट बड़ा होता है. मैंने कहा छोटा बच्चा है कि इसकी साइकी पे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ही सीइंग दोज गोरी विजुअल्स, दोज बुक्स लाइंग देयर लिटर्ड ऑल अराउंड विद दोज ब्लड स्टेन्स ऑन द ग्राउंड दैट इन द स्कूल. सो आई थॉट आई जस्ट स्विच ऑफ टेलीविजन. तो हम कुछ और करने लगे. मैंने कहा अर्जुन कुछ और सुना ये वो करके, आई जस्ट चेंज. एंड व्हेन आई केम टू माई रूम दैट नाइट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एंड दैट टाइम आई रोट, बिकॉज वाई एम सीइंग दैट लफ्जों की करेंसी से क्या होता है कि यू आर एबल टू फाइट द डेमन्स विद इन. You are able to stay motivated, you are able to encourage yourself, and you are able to convey your message also, what actually you are trying to convey. Aaj kuch baste, ghar nahi jayenge. Baste to, jo aaye the bachche to ghar nahi jayenge na, because more than 300 had died. Aaj kuch baste, ghar nahi jayenge, khoon se latpat pade rehenge, maut ki daastan sunayenge. Aaj kuch baste, ghar nahi jayenge. Subha saja kar aaye the sapne kahin, अब पड़े हुए हैं ढेर वहीं, माँ की आंचल से सिमट ना पाएंगे. आज कुछ बस्ते घर नहीं जाएंगे. कुछ पल पहले चहक रही थी हर कोना हर दीवार, कुछ पल पहले चहक रही थी हर कोना हर दीवार, उस्ताद जुटे हुए थे करने, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तैयार. वो अल्लाह अकबर के नारे, वो सन्नाटा चीरती चीखो पुकार, मौत लाया था बन के अजनबी बंदूक बरदार. मासूम बच्चों को मारना पहले तो किसी ने सिखाया ना था, मासूम बच्चों को मारना पहले तो किसी ने सिखाया ना था, ना कुरान में लिखा था ना किताबों ने पढ़ाया था. बच्चों की मासूमियत अब देखो. देन आई थॉट अबाउट माई नेफ्यू, बिकॉज
इनोसेंस में वो सवाल पूछ रहा था, मामू वो अच्छे अंकल हैं या बुरे अंकल, बच्चों की मासूमियत, क्योंकि आईएसआई वाले आए होंगे या मिलिट्री वाले तो ऑब्वियसली आए होंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बच्चों की मासूमियत तो देखो, दहशतगर्दी क्या होती है उनको ये मालूम न था। जब उनसे पूछा तो वो बोले अंकल जैसे लोग थे वो, क्योंकि उनके लिए टेररिस्ट भी अंकल था। सो दैट इज द इनोसेंस, ऑलवेज कीप दैट इनोसेंस अलाइव इन यू, दैट चाइल्ड अलाइव इन यू। जब वो बच्चा आपके अंदर जिंदा रहता है, मुझे कई बार पूछते हैं कि इवन एट द सीरियस ऑफ द ओकेजन आई एम इधर सिंगिंग, आई एम डांसिंग, बिकॉज इट्स अ स्टेटस, स्टेटस। मुझसे कई बार पूछते हैं कि वाई यू चेंज योर स्टेटस एवरी डे, आई सेड इट्स लाइक ना गम ना खुशी परमानेंट है, स्टेटस की तरह है जिंदगी, लाइफ जो है स्टेटस की तरह बन गई है। आप देखिए, यू पुट स्टेटस विद इन 24 आवर्स इट चेंज, इफ इट इज अ हैप्पी स्टेटस इट्स गो, इफ इट इज अ सैड स्टेटस इट विल गो, सो नथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट, सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, सो वाई यू आर वरीड अबाउट दैट, एंड देन देर आर प्रॉब्लम्स विच हैज नो सोल्यूशन, फिर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, जब सोल्यूशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सो वॉट टू डू, सो यू हैव टू फाइट इट आउट। सो इसी तरह स्टेटस जिंदगी में, हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो लाइफ जो है ना, लाइफ दो चीजों में, वाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, बिकॉज यू पीपल आर इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड मोर, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। जिंदगी देखिए फेसबुक की तरह खूबसूरत भी नहीं है। फेसबुक में क्या होता था, जब भी मुझे कोई तस्वीर खींचनी होती है मैं ऐसे होता हूँ, सांस अंदर रोक के चार मिनट भी खड़ा रहना पड़े, क्योंकि फोटो मुझे बड़ा परफेक्ट आना चाहिए। फेसबुक आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू शो द बेस्ट साइड ऑफ मी, इट्स ऑलवेज जस्ट पुलिंग माय टमी इनसाइड, टकिंग इट इन, सांस रोकनी है बिकॉज आई हैव टू शो द बेस्ट थिंग। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं है। आधार कार्ड पे मैं जितना भी खूबसूरत आंख बना लूं, देखूंगा वही बदसूरत, क्योंकि आधार कार्ड जैसी बदसूरत भी नहीं है जिंदगी। सो जिंदगी इज समवेयर इन बिटवीन द फेसबुक एंड आधार कार्ड। आधार कार्ड के जैसे बदसूरत भी नहीं है, और फेसबुक के जैसी आपको जो खूबसूरत दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं वैसी भी नहीं है। सो लाइफ इज इन बिटवीन, बट ऑल यू कैन मेक इज दैट विद योर एफर्ट्स यू कैन मेक दैट जिंदगी वेरी खूबसूरत। सो दैट इज अबाउट एक्चुअली इज द इनोसेंस ऑफ ए चाइल्ड। सो वैसे अगर आप चीज़ें करोगे तो आप चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हेट्रिड, फॉरगिव करना, मैं पर्सनल लाइफ में करता हूँ, मैं ये करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं यूक्रेन जाने से पहले क्या होता है कि वन ऑफ माय कलीग इज फ्रॉम द अदर चैनल, समहाउ आई डोंट नो व्हाट ही सेड, कभी आप दूसरे मूड में होते हैं, उसने कुछ कहा तो मैंने भी उसको फ़ोन पे गुस्से से कह दिया, मैंने बोला ड्रॉप योर फोन एंड नेवर एवर टॉक टू मी, गुस्से से कह दिया। अब नेक्स्ट डे आई मेट हिम, तो ऑब्वियसली मैंने भी बात नहीं करी, उससे भी बात नहीं करी, एंड आई लेफ्ट फॉर यूक्रेन। आई केम आफ्टर 2 मंथ्स, जब मैं 2 महीने के बाद आया तो मैं सबसे मिल रहा था, तो एक शख्स में देखा वो कोने में खड़ा हो रहा है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, मैं घर पे आके मुझे याद आया, मैं कहूँ मैं तब तो 2 महीने पहले इसके साथ झगड़ा करके गया था। सो यू नो व्हाट द सेकंड डे व्हाट आई डिड, द सेकंड डे आई वेंट टुवर्ड्स हिम, आई सेड यार सॉरी मुझसे गलती होगी, मुंह पे उसके हाथ रखा, सॉरी कहा, यू नो व्हाट, उसको सॉरी कह के मुझे नहीं मालूम मेरा क्या ये रहा, लेकिन आई फेल्ट लाइटर फ्रॉम विद इन। व्हाई टू कैरी दैट बर्डन, क्यों किसी को दुखा के वो बर्डन आप अंदर लेके जाते हो, से सॉरी, व्हेन यू से सॉरी टू समवन इवन इफ यू हैव नॉट कमिटेड ए मिस्टेक, दैट मींस यू केयर फॉर द रिलेशनशिप। कहते हैं इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन फ्रेंड, कभी कभी हम बहस करते हैं ना, एक आदमी ने बहस में एक पोजीशन ले ली है और वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है, तो उस वक्त मेरे ख्याल से बेटर रहता है, माय मामा जी यूज्ड टू से पार्टली यू आर करेक्ट पार्टली यू आर करेक्ट, एंड ही यूज्ड टू चेंज थिंग टॉपिक आल्सो, तो बीइंग ए वेरी गुड एडवोकेट दैट वे, सो ही यूज्ड टू से दैट थिंग। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको वो खूबसूरत तरीके से आपको ये कर दीजिएगी, लूज कर लीजिए आर्ग्यूमेंट, क्या हो जाएगा, फर्क क्या पड़ जाएगा, बहस में क्या निकलना है, आर्ग्यूमेंट लूज कर लेंगे लेकिन दोस्त तो नहीं लूज करेंगे ना। इस तरह कई बार क्या होता है कि आप बहस में इतना आगे निकल जाते हैं कि दैट उस बहस में फिर आपको पीछे आने की ये नहीं रहती है, उतना करिए। कहते हैं हमारे एक अंकल कहते बेटा कट नहीं करींदा, कट करींदा, अगर लगता है कि दैट दिस पर्सन इज नॉट ए गुड पर्सन बिकॉज एंड अगेन एंड अगेन यू आर ट्राइंग टू बी वेरी गुड टुवर्ड्स दैट पर्सन, कहता फिर कट मत करो, क्योंकि फिर अगर कट कर दी फिर तुम्हारी जिंदगी भर कभी आंख नहीं मिला पाओगे, कभी भी कुछ मौका ऐसा हो कट कर दो, ठीक है थोड़ा मेल मिलाप कम कर दो। When you realize that every time this person is entering into an argument, this is how you have to be. And then entering into an argument with your elders, your teachers is not a good. You ask question, you have to be expressive. But in the process of impressing others, you need not cross that line.
और तीसरी चीज मैं जो हमेशा बोलता हूं कि विच आई हैव डन, आई ऑलवेज ट्राई टू से दिस थिंग हियर, फोकस ऑन रिमेम्बरिंग थिंग्स, मेमोराइज थिंग्स. मेमोरी को शार्प और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ए B12 विटामिन कैप्सूल्स, यू डोंट नीड एनी अदर विटामिन फॉर दैट. ऑल यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप किसी भी चीज को याद रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. कई बार मुझे पूछता है कोई, वो तब होता है जब आप दिल से करेंगे. कोई भी चीज आप दिल से करते हो ना, जिस जो चीज में आपका, व्हेन यू आर नॉट एबल टू पुट योर हार्ट इन सर्टेन थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर. एक बार के लिए आप जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और ट्राई टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट, और दिल से आप पढ़ने की कोशिश करिए, एंड यू विल फाइंड दैट यू कैन मेक ए डिफरेंस. अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी यूज टू रिमेंबर थिंग्स. मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक वी यूज टू रिमेंबर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स लाइक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब कई बार हमें सवाल आना, अजीब तरीके से पूछ लेना. एक बार क्या हुआ कि हमारे होते थे प्रिंसिपल हैड एन हैबिट ऑफ, जैसे भी कोई उनके पास कोई आ जाता था, ही यूज टू गेट दैट पर्सन इन टू द क्लासरूम. वो मतलब कि कोई एडुकेशनिस्ट. हमारे प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, उनके पास एक शख्स आता है, उनका नाम था आगा अशरफ अली. ही इज अ वेरी नोन, वेल नोन एडुकेशनिस्ट. आगा अशरफ अली साहब हमारी क्लास में आए, तो क्लास उर्दू की थी और मैं उर्दू का सबसे बकवास स्टूडेंट था. तो आते ही उन्होंने पहला सवाल पूछा, तो उन्होंने देखा ऐसे, उन्होंने कहा सर सईद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए. अब सर सईद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए, पहले बच्चे को पूछा उसको भी नहीं आया, सब जो ब्रिलियंट थे उनको नहीं आया. लास्ट में मैं कहीं कमज़ोर सा छुपा हुआ पीछे पीछे था उनके, तो उससे मेरी तरह, हाँ सरदार जी आप बताइए, यू टेल मी. तो मैंने कहा सर सईद अहमद खान 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए. तो जो टीचर, जो उर्दू टीचर थी, शी वॉज मेकिंग फेसिस. तो जब मैंने जवाब दिया तो उसके चेहरे पर रंगत आ गई. तो बाद में सबने पूछा, तुम यार तुमको सीधा उर्दू नहीं आती, तुमको ये कहाँ से सर सईद अहमद खान याद रहा. मैंने कहा यार पहली जमात से लेकर सातवीं जमात तक एक ही ऐसे याद किया, अगर वो कोई और पूछ लेता तो शायद नहीं आता, क्योंकि दिल से एक ही ऐसे याद किया था. सो जो भी काम करो, पुट योर हार्ट इन दैट. माय फादर सेज इफ यू आर ड्राइविंग बी ऑन द ड्राइवर सीट. कभी कभी कहते हैं ना कुछ लोग, हमें हंसते हैं कई बार, कहते हैं अरे भाई सरदार तो ड्राइवर का काम करते हैं. आई वॉज वंस आस्क्ड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द सिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. डॉक्टर करण सिंह साहब वॉज सिटिंग देयर, इट वॉज एट अमर सिंह अमर महल. तो मुझे, मैंने सोचा कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो करण सिंह साहब को हिस्ट्री सुनाना मीन्स मतलब कि एक सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाती है. तो वाई टू टॉक अबाउट दैट हिस्ट्री. सो आई थॉट लेट मी बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, आई ट्राई टू स्पीक समथिंग डिफरेंट, लेट आउट ऑफ बॉक्स आइडिया विल बी वर्किंग. सो दैट वॉज द डे आई सेट, व्हेन यू टॉक अबाउट, ये तो इंटीग्रेशन अब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट 370 हटा नहीं हटा, इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ. आई सेट मेरा जब वो सरदार ड्राइवर चलता है ना किसी एक कोने से, ही इज ब्रिंगिंग दैट कल्चर, ही इज नॉट ओनली ब्रिंगिंग दैट गुड्स, ही इज ब्रिंगिंग द स्माइल ऑन योर फेस, ही इज ब्रिंगिंग दैट कल्चर एंड ही इज इंटीग्रेटिंग दैट. वो पूरा शहरों से आता हुआ आपको किस तरीके से धागे से पिरोता हुआ आपके वहाँ पे पहुँचता है. सो यानी कि आप जो भी काम करो उसे मन पिता लगाकर दिल से करोगे तो यू कैन मेक ए डिफरेंस, इवन ए ड्राइवर कैन मेक ए डिफरेंस. कभी आपने कभी सोचा कि ड्राइवर क्या करता है? आपने तो, हमने तो बोल दिया अरे यार तो ये तो ड्राइवर है, दे कांट डू एनीथिंग एल्स. लेकिन आप देखिए ड्राइवर क्या करता है, यू जस्ट थिंक दैट वे. ये ड्राइवर कहाँ से आता है, कहाँ से उसकी गाड़ी चलती है, कहाँ से वो कल्चर लेके आता है, वो कल्चर लेता 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 वो वहां पे आपके आके पहुंचता है. तो ये सारी चीजें हैं. अभी जैसे कि कई बार होता है कि इवन एंड लव फॉर द कंट्री. व्हाई आई एम गिविंग यू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज यू नो व्हाट, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. अब बहुत सारी चीज़ें आप सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगी. डोंट टेक दैट ट्रैश, डोंट लिसन टू पीपल, वन थिंग स्ट्रेट. बहुत ही खूबसूरत बात कही, अभी हमारे रॉ के एक ऑफिसर का इंटरव्यू हो रहा था सिद्धू साहब का, ही हैज रिटन ए बुक ऑन पंजाब एंड खालिस्तान. उनसे सवाल पूछा, तो जब पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगेंस्ट द पीपल हु वेयर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, सम ऑफ दोज खालिस्तानी एलिमेंट्स. तो उनको कभी, उनने पॉडकास्ट में पूछा, कहा सर कभी आपको ऐसा लगा कि दैट बीइंग ए सिख दैट यू हैड बीन वर्किंग विद द पीपल अगेंस्ट द पीपल हु वेयर द पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, दो वी आर नॉट सेइंग दैट द सिख्स आर एंटी इंडिया, बट यस दे वेयर एंटी इंडिया. यू नो व्हाट, खूबसूरत बात उन्होंने क्या की, जिस जो मैंने दिल में बिठा ली. और मैं जहां भी जाता हूं आई ऑलवेज से, बिकॉज मेरी एक चीज रहती है, जब कोई अच्छी बात हो ना तो उसे शेयर करिए, बुरी बात ना शेयर करिए, ना फॉरवर्ड करिए, ना कुछ करिए,
कहने की जरूरत नहीं, उससे आप खटास पैदा करते हैं। अच्छी बात है, कोई आपकी तारीफ किसी की करे उसको जाके बता दो, मे बी ही विल बिकम मच बेटर पर्सन। उन्होंने कहा द ओनली टाइम आई थिंक आई एम ए सरदार व्हेन आई एम टाइंग ए टर्बन, जब शीशे में बैठ के मैं टर्बन बांधता हूँ तो उस वक्त मुझे लगता है कि मैं सरदार हूँ, रेस्ट ऑफ द टाइम आई फील आई एम एन इंडियन। एंड दैट्स वॉट गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो सेड, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जहाँ तक रह जाऊँगा अकेला, मैं घर को लुटा कर कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद। इस तरह से कौम का देश का कर्ज अदा हो रहा है, सो हु कैन बी मोर पैट्रियोटिक देन अस। सो दैट स्पिरिट ऑफ कंट्री नेशन हैज टू बी देयर। सम पीपल विल ट्राई टू टेल यू समथिंग, डोंट गेट कैरिड अवे, फॉर गॉड्स सेक डोंट गेट कैरिड अवे, बिकॉज व्हेन वी वेयर ऑफ योर एज वी ऑल्सो यूज टू बी थिंक ऑन सर्टन लाइन्स। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आती है, आपका काम नहीं है, आपका काम है फोकस करिए। जब आप अपना मुस्तकबिल बनाओगे तो अपने देश का मुस्तकबिल भी बनाओगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्यूचर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज रियली गोइंग टू मेक ए डिफरेंस, सो गो विद दैट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो यही चीजें हैं कि जब मैं सिद्धू साहब को कोट करता हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे दिखते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको लगता होगा कि क्या बढ़िया एनालिसिस, बिकॉज हम वो सुनना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि वो एनालिसिस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो एनालिसिस का पैरालिसिस करके रख देते हैं, और पैरालिसिस जब किसी एनालिसिस का हो जाए तो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट थिंग। राइट थिंग इज दैट कंटिन्यू विद दैट प्रोडक्टिव थॉट, कंटिन्यू विद दैट कंस्ट्रक्टिव थॉट। अब देखिए, मैं आपको मेरा टॉपिक जो था, मैं क्यों ऑलवेज ट्राई टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर फेथ, उसको पॉजिटिव वे में ढाल के उसको एक्सप्लेन करिए। मेरा पेपर था एक इंडो पाक वाटर पॉलिटिक्स एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, आई गॉट एन अवार्ड फॉर दैट पेपर। तो इंडो पाक वाटर पॉलिटिक्स में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे गुरु नानक देव जी का याद आ गया, बिकॉज और वो कैसे याद आया, पढ़ा नहीं था। सी दिस इज वॉट एक्चुअली यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी द स्टोरीज, वो स्टोरीज जो बताते थे ना, तो आप जब बैठते हो ना बुजुर्गों के साथ, वो जो स्टोरी सुनते हो वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो आप गूगल नहीं बताएगा आपको, वो स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। तो शी यूज टू टेल मी द स्टोरी अबाउट बाबा नानक बालाजी और मर्दाना जी, एंड हाउ एवरी टाइम द मर्दाना जी यूज टू गुरु नानक देव जी से वो कुछ ना कुछ कर्तव्य करवाते रहते थे। ही सेड कि मुझे प्यास लगी है, देर वॉज ए पीर साहब कॉल्ड वली गंधारी, तो उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ बेटा पानी उनसे मांग लो, जाइए बाबा नानक सी ने कहा है, तो पानी ले आओ उधर। तो वो चले गए ऊपर, तो उस पीर साहब ने उसको गुस्से से निकाल दिया, कहा चलो कोई पानी नहीं है यहाँ। ही सेड अगेन मुझे प्यास लगी है, बाबा नानक कहा थोड़ा सब्र कर, कहा नहीं मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाके बोलो बाबा नानक ने कहा और पानी ले लो उनसे। तो अगेन ही सेड, अगर तुम्हारा अगर पीर इतना बड़ा है तो खुद क्यों नहीं करता, मैं कोई पानी नहीं है। एंड थर्ड टाइम अगेन ही सेंट, थर्ड टाइम जो उसे कहा तेरा बड़ा पीर है तो खुद पानी निकाले, हमसे क्यों पानी मांगता है, तुम काहे को इतना वो अपने उसको कर रहे। तो बाबा नानक ने उंगली ऐसे करके पानी निकल आया। अब सी व्हाट इज अ लेसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ स्टोरी बट इट्स अ लेसन, इट्स अ लेसन कि दुनिया का निज़ाम है कि मैं कभी पानी रोके, क्योंकि आपने देखा ना जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सब कंट्रीज बैठ के बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं भूचाल आ रहा है, कि हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट, सी हाउ यू हैव टू यूज रिलीजन नॉट टू पोल्यूट योर माइंड, रिलीजन टू अंडरस्टैंड थिंग, बिकॉज सब कुछ बताया है सिखाया है। वॉटर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अपर रीजन टू द लोअर रीजन, अपर राइपेरियन से लोअर राइपेरियन, यानी कि कुदरत का निज़ाम है, जो पानी ऊपर से चलेगा वो नीचे आएगा, ऊपर से ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो यू विल बी क्रिएटिंग ए ट्रबल, सो दैट कैन लीड टू अर्थक्वेक ऑल्सो, दैट कैन लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो ऊपर उनको रोकने नहीं देना है, तो यानी इसीलिए बाबा नानक ने कहा यार तो पानी तो नीचे आने दो, व्हाई यू आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट वाटर एंड कीपिंग पब्लिक डिवॉइड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। वी हैव सीन दैट हाउ मेनी अ टाइम द चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट, आज हमें अच्छा लग रहा होगा चाइना को, बिकॉज एज एन अपर राइपेरियन स्टेट दे आर ट्राइंग टू स्टॉप वाटर, बिकॉज सोर्स उनके वहाँ पे है तिब्बत साइड में, दे डू नॉट वॉन्ट द वाटर टू कम आउट ऑफ दिस साइड, कहीं जगह ब्रह्मपुत्र में कंट्रोल करने की जगह करते हैं, कहीं जगह फ्लड करने की कोशिश करते हैं। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द रिलीजन, बिकॉज जब महाभारत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण जिंदगी की आपको चीज़ें बता देता है कि क्या होता है। अभी एक बहुत खूबसूरत एक फिल्म आई है, एक था बंदा, बिकॉज ऑलवेज वेन यू वॉच मूवीज ऑल्सो यू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो आसाराम बापू को लेके उन्होंने पिक्चर बनाई है बेसिकली, कि हाउ साधु, उन्होंने कहा कि
रावण का उसने एग्जाम्पल दिया है, उसने बोला कि रावण जब काफी भक्ति करता रहा तो शिव ने माफ नहीं करा। कश्यप ने माफ नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई इसने तो इतनी भक्ति कर ली, देन पार्वती टोल्ड लॉर्ड शिवा माफी दे दो, आप तो भक्षणहार हो, आप तो फॉरगिव कर देते हो। कहा नहीं, इसकी गलती बहुत बड़ी है। कहा गलती क्यों इसकी बड़ी है? कहते कि जब इन्होंने सीता जी को उठाया था तो एक साधु के बेस में उठाया था। अगर ऐसे डाकू बन के उठा लेता तो कोई फर्क नहीं था, मैं माफ भी कर देता, लेकिन साधु बन के उठाया बिकॉज देयर आर एक्सपेक्टेशन। द सेम वे द एक्सपेक्टेशन फॉर मी एज ए जर्नलिस्ट इज दैट आई शुड नॉट बी द वन हु इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट, I should not be the one who should be on the wrong side. I may not be the best journalist, I may be committing mistakes, but consciously मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपके साथ आंख मिला के बात नहीं कर पाऊँ। Last year only after this, not last year, 3 years back, after abrogation of Article 370, one of the police officer, a senior police officer, he used to call me from Kashmir. He used to say, I want to meet you. I said, आप कभी भी आइए सर, क्या मुझे कॉफ़ी पीनी है आपके साथ? मैंने कहा आइए सर। He came out of this place. जब हो गया सारा, 6 महीने के बाद नॉर्मल हो गया, तो he came out of this place. He said, कि why not to have a coffee together? मैंने कहा आइए ऑफिस। He said, no, ऑफिस में नहीं, हम बाहर बैठते हैं। So we went to one of the place. We had coffee. He said, I'll be paying. मैंने कहा नहीं, आप सर मेरे पास आए, तो I owe you a coffee. अगर मैं आपके पास कश्मीर आता तो आप कॉफ़ी पिलाते। कॉफ़ी पीने के बाद he just gave me a small thing. Smaller, उन्होंने जब मुझे वो पैकेट दिया तो मैंने कहा सर ये क्या? कहानी बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आई थॉट दैट आई शुड गेट एज ए एल्डर ब्रदर, आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। अब मुझे लगा उन्होंने पेन दे दिया, मैंने भी खोला नहीं, सामने हिचकिचाया और मैं घर पर आ गया। आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है आपको, दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। जब मैं घर पर आता हूँ तो आई फाइंड इट्स अ वेरी कॉस्टली सेलफोन, मैं जब खोलता हूँ तो वो सेलफोन है, क्योंकि वही काम करो जितनी औकात है। मैं पेन की जगह बुक दे सकता था किसी मौके पर, लेकिन सेलफोन की इतनी नहीं है कि सैलरी क्लास दैट यू स्टार्ट गिविंग गिफ्ट सो लेविशली, तो आप नहीं कर सकते। तो माय फादर लुक टूवर्ड्स मी, ही सेड व्हाई यू आर परेशान क्यों हो? माय कलीग अमित भरद्वाज इज सिटिंग हियर, ही आल्सो नोज दैट। आई सेड मैं इसलिए परेशान हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, बट पापा मेरा ही इज नॉट ए फ्रेंड, बट येस ही हैड बीन अप्रिशिएटिव ऑफ माई वर्क एंड आई ऑलवेज यूज टू एन्जॉय एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज ए पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। सो ही गेव मी गिफ्ट, हालांकि उनकी इंटेंशन कोई बुरी नहीं है, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी इंटेंशन से फ़ोन दिया है, बट लेकिन समहाउ मुझे नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो ही सेड इसमें परेशानी की क्या बात है, पैक करो। तो ही इज़ हेयर, येस आई सेड ही इज़ हेयर फॉर अनदर 2-3 डेज, गो टू हिज ऑफिस एंड वापस दे दो प्यार से, कोई उसमें कोई ये करना नहीं है, आपने कोई दिखाना नहीं है, यू आर नॉट टू रिकॉर्ड और जस्ट टू शो दैट मैं बहुत हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो उनके वहाँ पर ऑफिस में बैठे थे एंड माई कलीग अमित वॉज विद मी। ही सेट कि मैं अंदर जाऊंगा तो शायद वो लगेगा कि दैट ही इज ट्राइंग टू बी लिटिल बिट ओवर स्मार्ट, लेट मी सिट आउटसाइड। आई सेट ओके फाइन, आई वेंट इन साइड, ही वॉज सिटिंग विद द कलीग्स। कलीग्स उठे तो बैठे हुए मैंने कहा सर आई एम नॉट बी टेकिंग दिस, बड़े हल्के से कहा, मुझे अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा वोट, ही सेट कि ऐसा क्या है, मैंने कुछ ऐसा तो दे नहीं दिया। मैंने कहा सर नहीं। देन आई टोल्ड हिम वन थिंग, आई सेट मैं आंख से आंख मिलाने की बात क्यों कहता हूँ। आई सेट सर आई नॉर्मली गो एंड इंटरेक्ट विद द यंगस्टर्स, मैं जब हाथ इस तरह मुट्ठी बंद करके जोश से बोलता हूँ ना, तो मैं जब भी करूँगा ना तो मुझे हाथ में आपका वो सेलफोन नजर आएगा कि दैट समवेयर, दो आपने वैसा कुछ नहीं किया, मैं आपके लिए कुछ नहीं करने जा रहा, यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर, आई हैड ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर द कंट्री एंड यू हैड ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर द कंट्री, बट मुझे हाथ में जब वो सेलफोन दिखेगा, ऐसे करूँगा मुझे सेलफोन नजर आएगा तो मेरी आंखें झुक जाएंगी। सो आई विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद द यंगस्टर्स वे आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। एंड यू नो वॉट हैज बीन द इम्पैक्ट टुडे, इफ आई कॉल हिम इन फर्स्ट कॉल ही रिसीव्स माई फोन। वो कई बार ऐसा होता था बंदा उठाता भी नहीं था इन्फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज़ वेयर एक्चुअली आपको अपना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कंट्रोल फ्रॉम हियर, इट इज़ हियर, कहते हैं ना कि इस पे कंट्रोल हो गया तो यू कैन डू थिंग्स। हमने कंट्रोल कर दिया, सी फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, इट हार्डली मैटर्स हु इज़ ऑफरिंग मी, इवन इफ इट्स द सीईओ ऑफ माई कंपनी आई विल से आई डोंट पी टेकिंग, पोलाइटली कहेंगे। और अच्छा है ज़्यादा कि ना ही ये चीज़ें हों। मैं ये नहीं कहता जो करते हैं वो बुरे हैं, मैं वो भी नहीं कहता, मैं आई एम नो वन टू गिव अ सर्मन टू एनीवन, बट व्हाट आई डू इज आई एम वेरी फर्म अबाउट दीज थिंग्स। तो इसलिए अगर आप कंट्रोल, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्मॉलर थिंग्स यू लीड टुवर्ड द करप्शन एंड यू पोल्यूट योर माइंड। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज यूज द स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस थॉट्स, दोज मैसेजेस, दो स्मॉलर स्टोरीज, रिसाइट टू योर पीपल, टॉक अबाउट दोज स्टोरीज एंड you will be able to convey a message in a beautiful way. अब देखिए मेरे प्रोजेक्ट में वो कहाँ लगता था, लेकिन that was a bigger point.
that how from the upper riparian state the water has come to this level to the lower riparian state, and upper riparian cannot stop this water because that leads to hydrophobia. That was basically the hydrophobia. आप कैसे एक पानी के लिए एक आप generate करते हो, and that leads to a problem. तो ये चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको करनी है. लास्ट आपको मैं बताऊंगा, द गर्ल्स आई विल बी रिसाइटिंग समथिंग. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू पीपल आर लकी इनफ, बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. आपके पेरेंट्स आपको साथ दे रहे हैं, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज देर आर सम गर्ल्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे कांट इवन गो फॉर द एजुकेशन, वेयर दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी, वेयर दे कांट मिंगल विद बॉयज, वेयर दे कांट गो टू प्लेसेस. देयर यूज्ड टू बी अ ब्यूटिफुल बुक रीडिंग लोलिता इन ईरान, रिटन बाय समबडी. कहते हैं कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो आयतोल्ला खुमैनी के बाद, तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए, तो गर्ल्स का ऐसे बाहर जाना बंद हो गया. तो कहते हैं कि देर वॉज ए ग्रुप जो इंग्लिश पढ़ते थे, देवर इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो उनने कहा कि डिसाइड किया कि हम टीचर हमें कैसे पढ़ाएगा. तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में हम मिलेंगे, टीचर भी है, चार पाँच स्टूडेंट भी हैं, एंड विल कीप ऑन. तो जिंदगी में क्या हुआ कि बताते हैं कि जिंदगी कैसे बदल जाती है, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन दे हैड टू वेयर दैट अबाया हो गया, स्ट्रिक्टर कोड, ड्रेस कोड हो गया. तो टीचर सुनाती है, कहती है कि टीचर लिखती है उसमें कि जब बच्चियां आती थी, आई यूज टू टेल देम टू राइट समथिंग, आप कुछ भी लिखिए. तो जब मैं उन्हें बोलती थी कुछ भी लिखने के लिए, तो वो क्या करती थी, एक लड़की थी, शी यूज टू राइट अबाउट ब्लू स्काई, बर्ड्स, ग्रीन ट्रीज. तो उसका मतलब यह है कि कहीं उसके सबकॉन्शियस में कलर्स थे, क्योंकि वो कलर जो है अब ब्लैक अबाया में कन्वर्ट हो गया है. वो रंग जो उसके थे, वो रंग नहीं उसके, वो जो वो लिखने में वो रंग दिखाती थी. सो इवन इफ वॉट एवर द सिचुएशन एंड द कंडीशन इज दैट यू ट्राई टू पुट, द सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान. आई सॉ, आई एंटर्ड वन ऑफ द प्लेस, देयर वाज अ यंग गर्ल, मुझे देखते ही उसने किताब छुपा दी, डर गई. तो मैंने पूछा जो मेरे साथ था, मैंने कहा ये क्यों. उसने कहा कि बेसिकली व्हाई शी हैज डन दैट, बिकॉज यहाँ पे तालिबान आते हैं, दे डोंट अलाउ द गर्ल्स टू स्टडी. सो अभी भी लोगों को लगता है कोई अंदर आ जाए. तो आई रोट दैट पोएम आफ्टर दैट इंसिडेंट, एंड दैट वॉज टेकन वेल इवन इन पाकिस्तान. लिखती हूँ, मिटाती हूँ. वाई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्ट, यू हैव टू राइट अबाउट द पॉजिटिव थॉट्स. आपके क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजें बदल सकती हैं. लिखती हूँ, मिटाती हूँ, दरवाजे पर दस्तक सुन तख्ती को छुपाती हूँ. जैसे ही दरवाजे पे नॉक होता है, तख्ती छुपा देती हूँ, स्लेट होती है ना, इस पे लिखते हैं. लिखती हूँ, मिटाती हूँ, दरवाजे पर दस्तक सुन तख्ती को छुपाती हूँ. किसी के जाने की आवाज़ सुन, लफ्ज़ों को पिरोती हूँ, सजाती हूँ, फिर किसी के आने की आहट, किताबें चटाई तले सरकाती हूँ. मेरे हाथ लथपथ चाक मिट्टी से, बिकॉज वो लिख रही होती है ना, मेरे हाथ लथपथ चाक मिट्टी से मेरे गुनाह का सबब न बन जाए. बढ़ती बंदूक को देखकर जोर से मुट्ठी बंद कर जाती हूँ. मैं मुट्ठी बंद कर देती हूँ कि सबूत ना मिल जाए कि मैं पढ़ रही थी, ये पता ना लग जाए इनको कि मैं लिख रही थी. तो ऐसे हालात. तो अचानक देन आई ट्राई टू शो कि तालिबान क्या करता है, दरवाजा खोलता है उस लड़की का, वो जो पढ़ रही होती. अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, वो जोर से बोला उठाकर छड़ी, क्योंकि दरवाजा इस तरह खोल के देखता है, वो क्या काला कुफ्र दाग है, क्योंकि वो किताब देखता है उधर, उसमें पेजेस किताब के. अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, वो जोर से बोला उठाकर छड़ी, वो क्या काला कुफ्र दाग है. दबी आवाज में हम बोले, वो कलमा कुरान पाक है. जब तुम उसी को समझ नहीं पाए हो, किस दीन की देते दुहाई हो, सब समझती हो पर चुप रह जाती हो. दीन के इन ठेकेदारों से नजर चुराती हो और इस सोच में जुट जाती हो, वो जो लगी हाथ उनके, क्या कलम मेरी कलम को तोड़ेंगे और मेरी किताबों को जलाएंगे, क्या इन हरकतों से मेरे जहन की खुली खिड़की बंद कर पाएंगे. सो ये जो आपकी खुली खिड़की है ना, इसको विजन को ओपन रखिए. डोंट कंस्ट्रक्ट योर विजन विद दोज नेगेटिव आइडियाज, डोंट पोल्यूट योर माइंड विद दोज कम्युनल माइंडसेट. ऑलवेज स्टे ओपन फॉर थिंग्स एंड ऑलवेज बी देयर फॉर द डिस्कशन, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय कंट्री. मेरी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है, मुझे एक बार याद है कि देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस अगेन दैट वाज इन लाहौर. शिरीन मजारी, जो कि ह्यूमन राइट्स मंत्री भी रही इमरान खान की सरकार में, तो शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. आई वाज द यंगेस्ट इन दैट ग्रुप. स्टीफन कोहन इज वन ऑफ द राइटर्स जो कि पाकिस्तान पे काफी ज्यादा लिखते हैं. ही इज वन ऑफ दोज एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट. कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ योर कंट्री, जरा मुझे एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ये सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी कंट्री की. अगर मैं पूछा जाए, क्या इकोनॉमी है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल है,
क्या पृथ्वी है, क्या अर्जुन मिसाइल है, क्या है आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ बताओ ना। मल्टीकल्चरल, यस, एक दिस इज नॉट ओचा बोलो यार, यस दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय कंट्री, कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फेथ, वी मे बी फाइटिंग विद ईच अदर बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर लिविंग टुगेदर ईच अदर, द कंट्री दैट टेल्स द स्टोरी गुड स्टोरी दैट कंट्री सेल्स, एंड आई ऑलवेज से that you have got leadership that tells the positive story, sometimes negative story bhi ho jati hai but positive story aap jab bataoge na to positive story attracts, main bataunga ki is ladke ne ek app banaya hai to obviously next day you will find that all those journalists will be coming and interviewing you, main kahunga isne wo kaam kiya startup start kiya to wo karenge, ye engineer hai lekin gaata bhi bada acha hai to aap mehfil jamayenge। सो आपका जो है ना कि आप देखिए आपकी पॉपुलेशन काफ़ी है कंट्री में, सो आपका एक चीज से काम नहीं चलेगा, सो यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड, लाइक ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी यू नीड टू बी मल्टी टैलेंटेड पीपल, और अपने टैलेंट को उभारिए। किसी ने आपको कह दिया रोकिए ना, वो भेड़िया ना पहनिए वस्त्र की तरह नहीं, भेड़ियों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करिए, चुनर को ध्वज बना दीजिए। सो वो चीज़ जब आप करोगे ना यू कैन रियली मेक द डिफरेंस, ठीक है, this is what actually you can do, what actually is now in two words what really after this lecture what you really want to do in your life batao, ek mic unko pakda denge koi, ऐसे ही ऊंचा बोलो यार, आवाज हम एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, हर्ड मेंटेलिटी कहते थे हम, वैसे हमारे टाइम पे यूज होती थी हर्ड मेंटेलिटी, तो अंग्रेजी फ्रेज है, हमारे टाइम पे कहते थे आर्मी कॉन्वाई की तरह, यानी आर्मी कॉन्वाई का एक खासियत होती थी कि अगर एक गाड़ी नीचे उतर जाती थी सारी उसके पीछे नीचे उतर जाती थी, एक शख्स नहीं बोलता था दूसरा उसको देखता ये नहीं बोल रहा मैं क्यों बोलूं, तुम अपने आप में एक शख्सियत हो, तुम अपने आप में आप अलग हो भाई, आप में से कोई बोलो what actually you think about this thing, yes follow your dreams, and somebody else ye na socho aap bindaas tarike se bolo, agar aap nahi bologe because you must be having so many ideas, so many questions, so many things to say, so many things to do, there are lot many opportunities because once you start getting older you have few opportunities, इसलिए यूटिलाइज द स्पिरिट, निगाह घर पर जहन दफ्तर में जिंदगी की कश्मकश में मैं अपने आप को भूल गया और इंसान बनना ही भूल गया, सी दिस इज व्हाट रियली हैपेंस, दैट्स व्हाई आई सेड गिव योर 30 मिनट्स टू योर फैमिली, वो 30 मिनट आप अपनी फैमिली को देंगे, बिकॉज अगर मैं जो आज बोल रहा हूँ ये मैंने व्हाइट बोर्ड, दिनों तो ब्लैक बोर्ड होता था, हमने ब्लैक बोर्ड से नहीं सीखा, हमने सीखा शी वॉज नॉट दैट, शी मस्ट बी फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा मेरी दादी ने, लेकिन जब वो बात करती थी तो मुझे लगता है कि आज भी उतने एक्सपर्ट जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जो मुझे वो सिखाती थी वो आज भी नहीं मैं सीख पाऊँगा, तो दैट इज़ वॉट आई यूज टू गेट फ्रॉम हर। अब मैं मतलब बताता हूँ कि फॉर मी व्हाट वाज ऑल अबाउट बैप्टिज्म, अमृत पीने का ये, इट वाज नॉट द रिलीजियस एस्पेक्ट ओनली, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू से काका गल सुन, ये जड़ा है ना शराब इस सियाणियों की बनी हुई है, तो तू इना सियाना नहीं है तो तू इना पी, तो ये शी यूज्ड टू से स्मॉलर थिंग्स, सो व्हाट एक्चुअली यू डू इज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स, व्हाट एक्चुअली यू मेक प्रॉमिसेस टू योर ग्रैंड मदर, टू योर एल्डर्स, सो टेक अ राइट पाथ, not saying because this is good this is bad, because everybody has to decide, but all you have to do is that you have to take initiative, you have to start। I carry, main apni jagah bolta hu jahan abhi main
काम कर रहा हूं, अपने लिए जो काम कर रहा हूं. देर आर थ्री बुक्स, वन इज ऑलमोस्ट डन, थ्री बुक्स विच आई एम कैरिंग हियर, देन हाफ ऑफ दोज आर रिटन बट येट टू कम आउट. रीजन इज दैट देन देर इज इग्निशन पॉइंट, उसको स्टार्ट करना है. सो द मोमेंट आई स्टार्ट विद द फ्लो आई डू इट इन अ डे. It is simply like working on yourself also, like on your body also. Because you start putting on weight, somewhere you have to start that, yes, now I'll not be taking sugar, now I'll not be doing all these things. You can change yourself. So you can make a difference. देखो हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. आगा शाहिद वॉज ए पोइट, ही यूज टू राइट मोस्टली अबाउट, उनकी जो पोइट्री थी ना वो ज्यादातर पोएट्री होती थी, इट वॉज अबाउट प्रो जो जाएगी इंसर्जेंट्स के लिए जाती थी वो पोएट्री कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट. बट मैं उनकी हर चीज को नेगेटिव को भी अगर आप पॉजिटिव में देखोगे, उनने लिखा है वी शैल मीट अगेन इन श्रीनगर बाय द गेट्स ऑफ विल ऑफ पीस विद हैंड्स ब्लॉसमिंग इन टू फेस एंड वन ऑफ द सोल्जर स्टैंडिंग इन वन ऑफ द कॉर्नर हैंड्स ओवर द की एंड वैनिशेस फॉर एवर. तो मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता था. हालांकि ही वॉन्टेड टू से कि दैट हाउ इट हैज बिकम ए मिलिट्री स्टेट, बट आई वाज ट्राइंग टू लुक एट इट दैट वंस द गन विल गो द मिलिट्री विल गो बैक टू द बैरिक्स, मिलिट्री विल गो बैक टू द बैरिक्स अगेन, द पीपल हु हैव लेफ्ट देयर होम दे विल बी गोइंग बैक टू देयर होम्स. सो यू लुक पॉजिटिव इवन ए नेगेटिव व्हेन यू डेवलप ए हैबिट ऑफ लुकिंग एट अ पॉजिटिव. अब मैं बताता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ. मैं आपको आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम, आई विल टेक ओनली टू मिनट्स. There's a song called पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजू रुलते है ना. वो कहता है तू भी आ सबको छोड़ के अखियां चो हंजू रुलते. मैं क्या, वो सबको छड़ के आ गई तो भी अखियां चो हंजू रुलते, वो रोने वाली क्या बात है. तो आई चेंज द लिरिक्स, आई सेड तू भी आ सबको छोड़ के आ नए रिश्ते जोड़ दे. अच्छा वो कहता है कि मतलब अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंजू रुल गए. मैं कहा उसको कोई जॉन्डिस थोड़ी हुआ है तेरी आंखों से, उसका दूर देख के तुम्हें ये होने लग गया. तो सो लुक एट पॉजिटिव. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट मे बी आई एम साउंडिंग लिटिल बिट फनी ऑल्सो, बट आई एम सेइंग अखां दा नूर वेख के असी तो सब कुछ भूल गए. नॉर्मली क्या होगा कि किसी का नूर वेख के, दैट डजेंट मीन दैट आयुष खुराना हैज रिटन. सो यू कैन राइट योर ओन बुक. नॉट दैट वॉट आई एम सेइंग इज द ओनली वे, ओनली फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू वर्क. यू कैन हैव योर ओन फॉर्मूला इन योर लाइफ. आयुष्मान खुराना सेट अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंजू रुलदे. मैं कहता क्यों लुटदे भाई, जॉन्डिस थोड़ी होया, कोई प्याज थोड़ी कटे होने, तेरे रोना क्यों आ गया उदी अखां वेख के. मैं तो उदी अखां वेख के सब कुछ भूल गया. सो आई एम पॉजिटिव. सो स्टे पॉजिटिव, डोंट गो फॉर क्रिपिंग, डोंट गो फॉर टीयर जर्कर्स. रोना धोना हर टाइम पे नहीं अच्छा कि दैट मुझे ये नहीं मिला. संघर्ष तकलीफें तो जिंदगी में क्या जीना, संघर्ष तकलीफें ना हो जिंदगी में क्या जीना. एक लास्ट बात बोलूंगा तो खत्म कर दूंगा. कहते हैं कि अगर सब कुछ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, जो आपने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्यों नहीं होगा ठीक, सब कुछ मिल गया, आपने ये चाहा मिल गया. यू वॉन्टेड गुड होम मिल गया, यू वॉन्टेड बिग गाड़ी मिल गया, यू वॉन्टेड बिग बंगला यू मिल गया, मनपसंद बीवी मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, वॉट एल्स यू नीड, सब कुछ मिल गया, जो आप चाह रहे हो मिल गया. फिर दुआएं किसके लिए करोगे. एक बार कहते हैं कि एक शख्स मर गया तो उसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया था, कोई गलती नहीं की थी. आई एम नॉट सेइंग पाप इज ए बिगर वर्ड, गलती नहीं करी थी. तो ऊपर जब गया तो रब ने कहा कि भाई इसका देखो खाता खोल के. खाता खोल के जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको देखो क्या कोई गलती करी है. उसने कहा साहब कोई गलती नहीं करी है. फिर से कहा देखो भाई एक बार देखो कोई गलती की है. कहा कुछ इस जगह कहीं कहा कोई गलती. रब ने बुलाया उस बंदे ने, कि तेरू मेरे तेना भी भरोसा नहीं सी, कि तुम्हें तो रब पे भी भरोसा नहीं था, रब इज अ बख्शनहार. तो सेम वे आई टेल यू द स्टोरी अबाउट ए चकोर एंड वल्चर. गिद्ध देखा ना, गिद्ध ऑलवेज कीप्स ऑन फ्लाइंग. चकोर क्या करता है, जमीन पे बैठ के चांद देखता रहता है, गिद्ध आसमान पे उड़ता रहता है. एक बार गिद्ध ने कहा चकोर से, कंबख्त तू क्या नीचे बैठ, ना उड़ सकता है ना कुछ कर सकता है, नीचे बैठ के ऊपर देखता रहता है आसमान की तरफ. तुमने क्या हासिल किया जिंदगी में, और देख मैं कैसे, मेरी उड़ान देख, मेरे पंख देख, मैं किस तरीके से आसमान पे लहराता हूँ, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ. और लुक एट माई फ्लाइट, सी हाउ आई एम फ्लाइंग हाई
and you are bloody staying on the ground and looking towards the sky and doing nothing, what actually you are going to achieve? उसने कहा पॉजिटिविटी की बात बता रहा हूँ। उसने कहा मैं जब ज़मीन पर रहता हूँ उड़ता नहीं हूँ, लेकिन ज़मीन में बैठ के भी नज़र में मेरी चांद होता है, और तू जब उड़ भी रहा होता है तो तू देख रहा होता है मुर्दे। सो नज़रिए की बात है। कभी कभी आप में से कई लोग सोचते होंगे somebody has gone to Canada, why I'm saying this last thing, because mostly the people look towards Canada, they look towards United States of America, they look towards many other university, many other colleges, कोई कहता है दिल्ली जाना, कोई कहता है वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं क्यों महात्मा बचित्र सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूँ? कुछ नहीं होना वहाँ। बंगा साहब देखें, वर्ल्ड बैंक के चीफ, जब वो G20 के दिन आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और उसके बाद वो हंस रहे थे, तो उसके बाद किसी ने उनका इंटरव्यू किया और पूछा, मंगा साहब आप क्या बता रहे थे प्रधानमंत्री को? तो कहा मैंने उनसे कहा कि असली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मैं हूँ, मैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, मैं नॉर्मल लोकल कॉलेजेस में पढ़ के इस वक्त ही इज द चीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो इफ एनी ऑफ यू थिंक हैव अ डाउट इन योर माइंड दैट दोज पीपल हु विल बी स्टडिंग आउटसाइड दे विल बी डूइंग द बेस्ट, नॉट एट ऑल, यू कैन डू बेटर देन एनीवन। बस नजरिया बदली अपना, अपनी सोच बदली, अपना फोकस बदली, दृढ़ निश्चय। देश शिवा वर मोहे ये शुभ कर्मन से कबू न टरू, ना डरू अरसों जब चाहे लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग।